ऐसा बताया जाता है, सबसे पहले तंत्र समझ लो कि एक जमाना था जब लोग स्वराज की मांग कर, स्वराज समझते हो, स्वराज मतलब अंग्रेजों से कहा गया कि भाई ऐसा है, अब बहुत दिन हो गए गुलामी करते हुए, हमें क्षमा कर दो और आप अपने देश लौट जाओ, हमें हमारा राज्य, हमें हमारा राष्ट्र, हमें हमारा देश दे दो और इस देश को जैसे भी चलाएंगे हम चला लेंगे, अच्छा चलाएंगे तो अच्छा चला लेंगे, बुरा चलाएंगे तो बुरा चला लेंगे। पूरे देश की एक आवाज होती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनता चला गया। अब वो पल आ गया जब अंग्रेजों का जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन, उसने कह दिया कि साहब हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक बात तो बताओ, इस देश को चलाओगे कैसे? इतना बड़ा राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जहां इतनी भारी जनसंख्या, ऐसा राष्ट्र जहां हर 5-10 किलोमीटर पर बोली बदल जाती हो, ऐसा राष्ट्र जहां 5-10 किलोमीटर पर लोगों का खान पान बदल जाता हो, ऐसा राष्ट्र जहां 10-5 किलोमीटर पार करने के पश्चात लोगों की वेशभूषा बदल जाती हो, लोगों का बात करने का ढंग बदल जाता हो, जहां विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हो, ऐसा राष्ट्र जहां मनुष्य मनुष्य में भेद किया जाता हो, ऐसा राष्ट्र जहां महिला और पुरुष में भेद करके देखा जाता हो, ऐसा राष्ट्र, इतना विशाल राष्ट्र जो विषमताओं से भरा हुआ हो, इस राष्ट्र की बागडोर आप संभालोगे कैसे? ये सवाल अंग्रेजों के थे। ऐसे में जब इतनी गंभीर समस्या पैदा हुई तो अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि भाई हम आपका राष्ट्र दे देंगे, लेकिन आप सबसे पहले अपना संविधान बनाओ। बात संविधान बनाने की आई, और जब बात संविधान बनाने की आई तो भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, और संविधान सभा में जो लोग बैठे वो सारे लोग चुनकर आए हुए थे। चुनकर आए हुए थे मतलब उनको वोट डाला गया। अब जरा ध्यान से सुनना, यहीं से बात शुरू हो जाती है बहुत गंभीर। लगभग 296 सदस्य हुआ करते थे संविधान सभा में। अब संविधान सभा में जाने के लिए कोई कैंडिडेट हो और कैंडिडेट का चुनाव किया जाए। अब ध्यान से सुनना, बात यहां से गंभीर हो रही है। आज सब लोग वोट दे देते हो जाकर वोटर आईडी कार्ड से, कितना आसान है, वेरी इजी टू कास्ट वोट, बट उस समय केवल उसी इंसान को वोट डालने का हक था जो ग्रेजुएट था, उसी इंसान को वोट डालने का हक था जो अमीर परिवारों से संबंध रखता था या राजे रजवाड़ों से संबंध रखता था। तो इस करके केवल और केवल भारत की जनसंख्या का लगभग 11.5% लोगों ने चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के लोगों को वोट डालने का भी हक नहीं था। मेरा सवाल आपसे, अगर आप लोगों को वोट डालने का हक ना मिले तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है? बोलो हाँ या ना। आवाज ही नहीं आ रही, मतलब क्या? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? जहां अपने राजा को आप खुद चुन सके। आपके पास हक ही नहीं था। खैर, उस समय के तत्कालीन जितने भी राजनीतिक दल थे उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस हुआ करता था। कांग्रेस के लोगों ने विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम कोट कर रहा हूं मैं इस आदमी का, विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब के धुर विरोधी रहे। जानते हो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर, इस संविधान सभा में आप किसी भी सूरत में अंदर नहीं आ सकते। इस संविधान सभा के अंदर घुसने के लिए दरवाजे तो छोड़ो,
सारी खिड़कियां रोशन दान तक बंद कर देंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हम तुम्हें संविधान सभा में नहीं आने देंगे। ये किनके वर्ड थे? कांग्रेस के लोगों के शब्द थे। ये तो भला हो हमारे मुस्लिम भाइयों का जिन्होंने आगे बढ़ करके बाबा साहब के लिए सीट छोड़ी और बाबा साहब वहां से चुनाव लड़े और जीत करके आए और तब कहीं जाके संविधान सभा में बाबा साहब भी सदस्य बने। आप समझ पाने कितना कठिन था बाबा साहब के लिए। जब वो संविधान सभा में आ गए तब कहीं जाकर के अंग्रेजों के पास ये नेहरू, पटेल और गांधी जी आते जाते रहते थे, बात करते थे, तो बड़ी गंभीर समस्या थी कि यार ये संविधान किससे लिखवाएं। एक बार संविधान लिखने की पेशकश हुई थी तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से छापा गया था, और वो इतना घटिया संविधान लिखा था मोतीलाल नेहरू ने, तो कांग्रेस की औकात ही नहीं थी कि अपने किसी नेता से कह सके कि यार संविधान लिखो। तब कहीं जाके लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, अरे बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, आप ही के संविधान सभा में एक सदस्य है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर, जाओ उस आदमी से संपर्क करो। तब कहीं जाकर के उन्हें संपर्क किया गया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये घटना है बाबा साहब के जीवन की। जब उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया तो बाबा साहब ने काम करना शुरू किया। जब उन्होंने संविधान बनाना शुरू किया तब कहीं जाकर के उन्होंने कहा, भाई ऐसा है ये वोट डालने का मतलब ग्रेजुएट आदमी वोट डालेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहां तो हर इंसान जो भारत में रहता हो उसकी सबसे पहली पहचान होगी कि वो भारतीय होगा। अगर आप भारतीय हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार अवश्य मिलेगा। पहली शर्त यह है कि आपका भारतीय होना आवश्यक है। तो आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, या किसी भी धर्म से संबंध रखते हो सकता है उस धर्म से संबंध रखने पर आप उस धर्म के हो जाएं, लेकिन भारत में रहते हैं तो इसलिए आप भारतीय सबसे पहले हैं। तो आपको भारत में जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो इसलिए नहीं मिलती कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सुविधाएं आपको इसलिए मिलती हैं कि आप यहाँ भारतीय हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। ये पहचान हमें बाबा साहब ने दी। फिर बाबा साहब ने कहा वन वोट वन वैल्यू, हर एक व्यक्ति को एक वोट डालने का हक अवश्य मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट ना हो, आपका बेटा बेटी या आप स्वयं, भले ही स्कूल आप कभी भी ना गए हो, आपको भले ही अपना नाम लिखना ना आता हो, लेकिन चूंकि आप भारतीय हैं इसलिए आपको वोट डालने का हक है, आप वोट डाल सकते हैं। जैसे ही वोट डालते हो तो आपके वोट में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आप इस देश के राजपाट को बदल सकते हो, यहाँ के राजाओं को बदल सकते हो। तो ये ताकत किसने दी? बाबा साहब ने दी, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही करकमलों से हुई थी। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों हुई? लोकतंत्र की आवश्यकता हमें इसलिए हुई क्योंकि भारत में लोकतंत्र कभी भी नहीं था। था बुद्धकालीन भारत में, वैशाली गणराज्य में होता था, ये बौद्ध ही ऐसा करते थे, लेकिन भारत में होता था राजतंत्र। जैसा कि मैं यहां दिखा रहा हूं, राजतंत्र क्या होता था? राजतंत्र, राजा बनने के लिए केवल एक ही क्वालिफिकेशन, राजा बनने के लिए केवल एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपको रानी के पेट से जन्म लेना होगा। अगर तो आप रानी के पेट से जन्म लेकर के आए हैं तो आप राजा बन सकते हो, अन्यथा आप राजा नहीं बन सकते। और दूसरा क्वालिफिकेशन ये था, या अपनी ताकत इतनी बड़ी कर लो कि आओ राजा की मुंडी काट दो और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लो, ये हुआ करता था। ऐसी व्यवस्था में आपको जनसाधारण को
राजा बनने का लाभ कभी भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि राजा बनने का हक तो निर्धारित परिवारों के लिए होता था, आपके लिए नहीं होता था। लेकिन सोचो, ये ताकत थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने कहा कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, हो सकता है राजा मेहतरानी के पेट से पैदा हो जाए। यहां बैठी हुई हमारी जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग साथी हैं, ये सब इस योग्य हैं कि इस देश का बादशाह बन सकते हैं। चाहे हमारी बहन हो, हमारी माता हो, आप भी इस देश का बादशाह बन सकते हैं और हमारे पुरुष भी इस देश का बादशाह बन सकते हैं। यकीन जानिए, आपके यहां से जो चुनकर जाता है वो राजा से कम नहीं होता। चाहे वो विधायक आप चुन के भेजें, चाहे आप सांसद चुन के भेजें, चाहे पार्षद चुन के भेजें, वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए एक बादशाह के रूप में ही जाकर के आपका प्रतिनिधित्व करता है। बड़ी सभा में, बड़ी सभा, विधायक जाता है सीधा यहाँ से लखनऊ, और सांसद जाता है यहाँ से सीधा संसद में, दिल्ली जाकर बैठता है। तो इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने आपको दी, लोकतंत्र की ताकत थी। ऐसे में एक बड़ी गंभीर बात बता करके आपको समझाना चाहूंगा कि ईवीएम हुआ क्या है, हुआ क्या है। आप वोट डालते हो, आजकल क्या होता है, वोट डालने के लिए एक मशीन आपको देखने को मिलती है। उस मशीन में आप एक बटन दबा देते हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो तो एक लाइट जलती है और एक लंबी सीटी बजती है। जैसे लंबी सीटी बजती है तो आपको लगता है कि वोट हो गया, वोट हो जाता है। और यही प्रक्रिया आप पिछले 15 से 20 सालों से करते आ रहे हो। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे ही आपने वोट दबाया, मान के चलिए आपने किसी प्रत्याशी को वोट दिया, जब आपने उसको वोट दिया तो ये बताओ आपके पास सबूत क्या है कि वोट उसी प्रत्याशी को गया जिस प्रत्याशी को आप देना चाहते हैं। सवाल है मेरा आपसे, है कोई सबूत आपके पास? नो, कोई सबूत नहीं। जब आप पर्चे पे ठप्पा लगाते थे, याद करो, पर्चे पे ठप्पा लगाते थे तो आपको आंखों से दिखता था कि आपने किस चुनाव चिन्ह पर ठप्पा लगाया है। यहां दिल में संतुष्टि होती थी कि मैंने जिसे वोट दिया है मैंने अपने हाथ से ठप्पा लगाया है। मानसिक रूप से जो है संतुष्टि मिलती थी, सांत्वना मिलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हालात यह है कि आपने जो वोट दिया वो वोट गया कहां, इस बात का कोई प्रमाण आपके पास उपस्थित नहीं है और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि वोट वहीं गया जहां आप देना चाहते थे। देयर इज नो गारंटी एट ऑल, वट एवर द वोट यू हैव कास्ट टू पर्टिकुलर कैंडिडेट और अ पार्टी, वहां गया या नहीं गया, देयर इज नो गारंटी। अच्छा, ये वाली बात आपके विद्वान साथियों को पता लग गई, आपके समाज के थे, जब उन्हें पता लगी तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा गया कि भाई ऐसा है, ये जो वोट हम डाल रहे हैं ये वोट जाती कहां है, इसका तो प्रमाण ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तलब कर लिया, बुला लिया। जब चुनाव आयोग के लोग वहां पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये तो बताओ, बटन तो दब गया, वोट भी हो गई, लेकिन वोट गई तो गई कहां, ये तो बताओ, इस बात पे चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं बना। जब जवाब नहीं बना तो उनसे पूछा गया कि इसका समाधान बताओ, समाधान क्या है, आपके पास तो कोई प्रमाण नहीं है। तो समाधान के रूप में उन्होंने निकाला एक और मशीन, ईवीएम के अलावा एक मशीन और निकाली, उस मशीन का नाम रख दिया VVPAT, वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रे या ट्रायल, ये नाम उसका रखा गया। अब ये मशीन क्या करती है, ये मशीन उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जोड़ दी जाएगी। जैसे ही तुम यहां बटन दबाओगे वैसे ही उस मशीन में से एक पर्ची छप के आएगी। अच्छा, वो जो पर्ची है ना, वो पर्ची आपको नहीं मिलेगी, वो पर्ची
वीवीपैट मशीन की स्क्रीन पर आपको 6 सेकंड तक दिखेगी ऐसे, और फिर उसके बाद उस डब्बे में ही गिर जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि इससे ये हो गया कि आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ भाई हमारा वोट हुआ है, फला फला पार्टी को गया है, फला फला कैंडिडेट को गया है, फला फला चुनाव चिन्ह हमने देख लिया कि वोट गई कहां। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो सवाल है, सवाल में पहले वीडियो दिखाऊंगा उसके बाद पूछूंगा, ठीक है? पहले ध्यान से, अच्छा ये थोड़ी गंभीर चर्चा है, आप इसे ध्यान से देखोगे सुनोगे तो बात समझ में आएगी, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, भैया ये साउंड हमें दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। ये घटना मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा की है, वहां चुनाव चल रहा था। तो चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त की गई एक पद अधिकारिणी जिसका नाम है सेलिना सिंह, उसका क्या ढंग रहा ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, ये मेरे घर का न्यूज चैनल नहीं है, ये चैनल है सहारा समय, ठीक है? इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, उसके बाद में चर्चा करूंगा आपके साथ, ध्यान से देखिएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को धमकाया, अटेर चुनाव के लिए वीवीपैट की मशीन का डेमो किया जा रहा था कि उस दौरान 4 नंबर का बटन दबाने पर कमल के फूल की पर्ची निकल रही थी, जबकि कमल के फूल का निशान पहले नंबर पर है। पत्रकारों ने जब इससे जुड़ा सवाल किया तो सलीना सिंह भड़क गई और कलेक्टर इलैया राजा सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को धमकाया कि खबर दिखाई तो थाने में बंद करवा दूंगी। सलीना, बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? कितने लोगों को आ गई, हाथ उठा के बताओ जरा जो समझ में आ गई बात। चलो अच्छा है, ज्यादा लोगों को समझ में आई। मैं बता देता हूं, जब चुनाव होता है, इसकी आवाज कम करो क्योंकि इको कर रहा है, तो सवेरे सवेरे टेस्टिंग होती है मशीन की, मशीन की यहां ज्यादा थ्रो करे, मशीन की टेस्टिंग सवेरे सवेरे होती है। तो वहां एक तो चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए अधिकारी आते हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, कुछ प्रत्याशी होते हैं, कुछ जनसाधारण के लोग होते हैं या लेवल के अधिकारी होते हैं, तो उनके सामने पहले टेस्ट करते हैं मशीन को कि काम कर रही है या नहीं कर रही। तो वो सेलिना सिंह वहां थी, तो उसने 4th नंबर का बटन दबाया, और चौथे नंबर का जो बटन था वो था कांग्रेस का हाथ का। तो पर्ची छपके किसकी आनी चाहिए थी? कांग्रेस की, लेकिन छपके किसकी आई? बीजेपी की। तो अब और कुछ समझाने की जरूरत बची क्या? मुझे तो नहीं लगता और कुछ बाकी चीज समझाने की जरूरत है। तो इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है कि आप वोट देते हो एक पार्टी को और चली जाती है दूसरी पार्टी को, उससे क्या परिणाम होगा? उससे परिणाम ये होगा कि आपके वोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी और आप जिसको भी अपना राजा चुनना चाहते हैं वो कभी भी आपका राजा बन नहीं पाएगा। तो करना क्या चाहिए भाई? इन मशीनों को खत्म कर दो, जैसे कागज पत्र पे ठप्पा लग रहा था वैसे लगाओ, ऐसा हम चाहते हैं। अच्छा इसके परिणाम देखो, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम आपको दिखाता हूं कितने घातक हैं हम लोगों के लिए, कि ये बीजेपी वाले लोग, इन लोगों ने कितनी घटिया हरकतें की। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हेलो, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है हमारा? दलेर मेहंदी। हाँ, नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव जीता? बनारस से। अब एक मैं खबर दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है नव भारत टाइम्स की खबर, ये मेरे घर की खबर नहीं है, साफ लिखा है नव भारत टाइम्स। कब का है? November 25, 2014, 25 नवंबर 2014 की खबर है। समय है 6:36, शाम का समय है। क्या खबर है? अच्छा, पत्रकार का नाम क्या है? दिनेश चंद्र मिश्र। कहां से? बनारस से। तो पूरे प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं,
क्या खबर है, खबर ध्यान से सुनना। जिस वाराणसी संसदीय सीट से नरेंद्र मोदी ने 371,784 वोटों से जीत हासिल की है, वहां 311,057 फर्जी वोटर मिले हैं। अभी गिनती जारी है और जिला प्रशासन का अनुमान है कि फर्जी वोटरों की संख्या 6,47,085 जा सकती है। इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर पहली बार वाराणसी में सामने आए हैं। लाखों की तादाद में मिले फर्जी वोटरों का खुलासा तब हुआ जब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया। जिले के सभी पोलिंग सेंटर पर तैनात बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कराने के बाद इन बोगस वोटरों का खुलासा हुआ। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये आदमी बादशाह बना कैसे? नवभारत टाइम्स की खबर है, मेरे घर में नहीं छपता नवभारत टाइम्स। और जो इतना बड़ा अखबार खबर छाप रहा है तो किसी जिम्मेदारी पे तो छाप रहा होगा ना, किसी जिम्मेदारी पे तो छापेगा। मुझे ये बताओ, अगर ये खबर मुझे मिल सकती है तो आपका नेता कहां सो रहा था? आपके नेता को बुद्धि नहीं थी? आपका नेता कब जागेगा? क्या नेता हमारे बीच में वोट लेने आएगा? क्या नेता को पहले नीले नोट गिनने की आदत थी, अब गुलाबी नोट गिनने की आदत लग गई है क्या? हमारे नेता को भी तो शर्म आनी चाहिए ना। लेकिन उन्हें शर्म ना तो थी, ना है, ना कभी आएगी। ये तो मेरे जैसे लोगों ने ठेका ले लिया ना खामे खाका। मेरी घरवाली बीमार है, दोनों बेटियां बीमार हैं, उन्हें छोड़ के रात को मैं आपके साथ बात करने चला आया। वो बार बार फोन कर रही है, मैंने फोन उठा के उसे दे दिया कि बात कर लो। बुद्धि खराब है मेरी क्या? मैं यहां राजनीतिक भाषण तो देने आया नहीं, ना मैं किसी पार्टी से आया हूं, और ना आपके सुनने से मुझे वोट मिलके ना मैं नेता बनने वाला हूं, समझ रहे हो? तो मेरा लालच क्या है तो बता दो। केवल इतना ही लालच कि रात को जाकर भी अपने समाज को जगाने का सपना देखा है? केवल इतना ही लालच कि समाज अगर सबल हो गया, सुदृढ़ हो गया, तो हमारी आने वाली जनरेशन बेहतर हो सकती है? केवल इतना लालच? इस प्रोग्राम में आने के लिए हमें उल्टा अपनी जेब से लगाना पड़ता है। तो ये बताओ, इतनी बड़ी खबर थी और हमारे नेता सो रहे थे, कब तक सोएंगे, कब तक? और इस आदमी को प्रधानमंत्री बनने की क्षमता कैसे आ गई जब बोगस वोटर वहां पर निकले थे? तो ये बोगस वोटर आए कैसे, अपने आप थोड़ी आ गए? ये जो जमीन पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, श्रीराम सेना नाम के जो संगठन काम कर रहे हैं, उनका काम यही है, यही काम है। तो होगा क्या, आप अपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनते हो, सारी की सारी धराशायी हो जाएंगी अगर आपने खुल करके ईवीएम का विरोध नहीं किया। एक कड़वी सच्चाई से संबंधित सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर आपसे वोट देने का अधिकार छीन ले आज, बताओ आपके पास बचा क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे, सारे के सारे सुन्न हैं यहां, तो कुछ नहीं है आपके पास। अगर आपसे वोट डालने का हक छीन लिया जाए तो आपके पास कुछ नहीं बचा। वोट आपने किसी को दी और पहुंच कहीं गई तो क्या ये वोट छीनने के बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल उसी के बराबर है। तो क्या करोगे? विरोध करेंगे। हालांकि आपके बीच में मैं पहले भी कई बार आया हूं, यहां से आप लोग हिलने को तैयार होते को नहीं, यहां से कोई नहीं जाता। मैंने कई बार जंतर मंतर पे आंदोलन किए हैं, यहां से चूई का बच्चा हिलने को तैयार नहीं। मैं तो खुला बिजार हूं ना, टक्कर मारता घूम रहा हूं, फिर आ गया, एक बार फिर से टक्कर मारूंगा आकर के, मार दी। अगर तो आपको लगता हो कि भाई ये जरूरी है, हमारे अधिकार छीन रहे हैं, तो अब गंभीर हो जाओ। 19 के चुनाव की घोषणा कभी भी हो जाएगी। अगर चुनावों की घोषणा हो गई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते आप।
और अगर चुनाव की घोषणा होने से पहले पहले हम सब लोगों ने हल्ला मचा दिया इस देश में, तो मेरा पूरा भरोसा है कि ईवीएम बंद हो सकती है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ियां होती हैं, गड़बड़ियां हैं, वोट कहीं जाता है, दिया कहीं जाता है।